देख रहे हैं ये सरासिंगा का शिव टेम्पल है, यहीं चलते हैं दोस्तों। और सरासिंगा का शिव टेम्पल के बारे में या फिर उनके शिव टेम्पल के पास जो नेचर है वो सारे चीज़ आपको दिखाऊंगा। और यहाँ बहुत सारे पत्थर हैं जो कि माँ सिंदूर गौरी का यहाँ धन दौलत जो ले गया था, तो वो सारे चीज़ आपको दिखाऊंगा। इधर बहुत सारे गुम्फा भी है तो वो गुम्फा भी दिखाऊंगा, कैसे जाना पड़ेगा, किस तरह से जाएंगे अगर आप जाना चाहते हैं, तो वो सारे चीज़ दोस्तों। और वो ऊपर से और ये है शिव टेम्पल है यहाँ का सरसिंगा का। तो देखिए दोस्तों ये शिव टेम्पल है और इसको जो बनाए थे उनका नाम है रंको निधि गिरी और उनके वाइफ, दोनों मिलके ये शिव टेम्पल में बनाए थे। और इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, इस शिव टेम्पल के बारे में कौन बनाया था, कौन सा ईयर में बनाया था और कितना दिन लगा था। और यहाँ एक फ्लावर देखिए दोस्तों, ये कितना बहुत ही सुंदर है फ्लावर। मुझे फूल के नाम भी तो मुझे भी पता नहीं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यही है माँ पार्वती का जो गुम्फा है और इस साइड में है गणेश जी का जो कि आर्ट है, ये पत्थर मैं दिखाऊंगा दोस्तों आपको। यही है शिव गणेश जी का जो कि आर्ट यहाँ पत्थर के ऊपर। और इस साइड जो है माँ पार्वती का गुफा है। और आगे जाएंगे दोस्तों, चलिए आगे जाकर देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ है, क्या क्या नहीं है। और यहाँ एक कितना बड़ा पत्थर है कि इसके पास जो कि गजा टांगर के नाम में बोलते हैं यहाँ का लोग, और एक है छाता छाता टांगर, तो वो चीज़ भी आपको वो पत्थर भी दिखाऊंगा दोस्तों, कैसे जाएंगे, किस तरह से जाएंगे। ये बहुत ही यहाँ का जो कि बोलेंगे तो सुसाइड पॉइंट बोलेंगे तो भी कुछ गलत नहीं होगा, तो बहुत ही सावधानी से यहाँ जाना पड़ेगा दोस्तों। वो सारे चीज़ आपको दिखाऊंगा। यही यही जो आप देख रहे हैं, यही जो आप देख रहे हैं उसको बोलते हैं छत्ता टांगर, गजा टांगर। ये गजा टांगर है, उसके बाद जो आएगा वो छत्ता टांगर है। और ये एक पत्थर देखिए दोस्तों, ये किस टाइप का है और किस तरह का है। चलिए दोस्तों उसके ऊपर अभी हम चलेंगे, उसको ऊपर कैसे चढ़ते हैं, किस तरह से जाना पड़ता है वो देख लिए दोस्तों आप ही। इसे घुस के जाना पड़ेगा अंदर, और ऊपर कैसे चढ़ेंगे, किस तरह से जाएंगे, वो सारे चीज़ दिखाऊंगा दोस्तों। चलिए चलते हैं इनके साथ दोस्तों। इसे ही चढ़ना पड़ता है दोस्तों धीरे धीरे। ये वीडियो तो फॉरवर्ड किया गया है तो इसे धीरे धीरे आपको जाना पड़ेगा। फाइनली वो लोग ऊपर तक पहुंच गए हैं और अभी मुझे जाना पड़ेगा। और ये साइड में ये पत्थर भी आप थोड़ा देख लीजिए किस तरह का है, और ये ऊपर से जो नीचे का सीन है, नेचर है, ये भी थोड़ा देख लीजिए। इधर का आसपास का जो कि आसपास में जो गांव है, घर है, चलिए दोस्तों मेरे साथ। ये ऊपर से नीचे का जो सीन है और ऊपर से कैसे दिखता है यहाँ का नज़ारा, वो चीज़ भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों।
ये अगर सुइसाइड पॉइंट बोलेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ये सुइसाइड पॉइंट भी है। तो यहाँ चढ़ने के समय बहुत ही होशियारी सावधानी का जरूरत है दोस्तों। यही है छत्ता टांगर। अभी हम गजा टांगर में हैं। ये गजा टांगर का ऊपर से ये बहुत ही पास दिखाई दे रहा है दोस्तों, लेकिन ये ऊपर से नीचे का जो सीन है बहुत ही पास में ही दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर नीचे से अगर हम फोटो खींचेंगे तो ऊपर का जो ऊपर कितने ऊपर में हैं वो लोग, या फिर हम लोग हैं ऊपर में, वो चीज़ भी दिखाऊंगा। ये जो है कारगिल पोड़िया बोलते हैं इसको, और इस साइड का जो नेचर है, खेती का टाइम है ये, तो ये सब खेती है। और ये ऊपर से शिव टेम्पल का नज़ारा है, और इसको बोलते हैं ढेंकी टांगर बोल के, तो ये लोग मानते हैं। ये देखिए दोस्तों, नीचे से अगर ऊपर तक का, ऊपर से नीचे का सीन बहुत ही पास में दिख रहा था, लेकिन वो अगर नीचे से ऊपर का सीन अगर मतलब देखेंगे तो कितना छोटा छोटा वो दिख रहे हैं, वो देखिए दोस्तों, इतना सा छोटा छोटा ही दिखाई दे रहा है। अगर यहीं से मतलब ये सुसाइड पॉइंट है दोस्तों, संभाल के आपका सावधानी का बहुत ही जरूरत है। और इसके ऊपर अगर मतलब जो कमजोर दिल वाले है ऊपर मत जाने जाएंगे, ऊपर मत जाना दोस्तों। इतना छोटा दिखाई दे रहा है दोस्तों, देखिए आप ही। अगर हम ऊपर से नीचे का नज़ारा दिखाते हैं तो आपको तो वो बहुत ही पास में दिख रहा था, लेकिन अगर नीचे से ऊपर तक दिखेंगे तो कितना छोटा छोटा देखिए दोस्तों। फाइनली हम अभी नीचे आने के लिए बोलते हैं उन लोगों को, अभी जाएंगे दोस्तों। इसके बाद हम दिखाएंगे आपको छत्ता टांगर के पास जाएंगे, और इसके पास आसपास जो कि गुफा है, जहाँ की भालू फल्लू ये रहते हैं इधर, वो गुफा भी सारे आपको दिखाऊंगा जितना संभव हो सकेगा दोस्तों। और बहुत ही खतरा जगह है ये दोस्तों, बहुत सावधानी से आपको अगर ऊपर जाएंगे तो सावधानी से जाना पड़ेगा। और आगे बहुत ही खतरा है दोस्तों, उधर भी आपको सावधानी का जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम चलते हैं छत्ता टांगर के पास। ये जितना भी आप पत्थर देख रहे हैं दोस्तों, ये सारे माँ की जो यहाँ के गांव के लोगों की कहना है कि ये सारे पत्थर जो कि पहले वीडियो में आपने देख लिए हैं, जो कि गांव के लोग बोलते हैं कि माँ का जो धन दौलत है जब सुबह हो गया तो यहीं रह गया और सारे पत्थर हो गया है, तो यही है वो दोस्तों सारे चीज। और इस तरह से आपको जाना पड़ेगा ऊपर दोस्तों। तो चलते हैं इन लोगों के साथ, और ये देखिए कोशिश कर रहे हैं वो कुछ लोग पत्थर को नीचे गिराने के लिए। ये ऊपर से वही जो ये गुफा है दोस्तों, इसके अंदर हम घुसेंगे अभी, क्या क्या है उसके गुफा के अंदर। और इधर बहुत सारा खतरनाक जानवर भी रहते हैं रात के टाइम में। अभी चलिए दोस्तों इसके अंदर घुस के देखते हैं, ये गुफा का नज़ारा भी आपको दिखाऊंगा। पहले से ही बताया हूँ दोस्तों कि ये खतरनाक जगह है, अगर आप नए हैं या फिर नए आए हैं तो संभाल के जाना दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक जगह है। आपको सावधानी का बहुत ही जरूरत है। तो इसके ऊपर हम जा रहे हैं, यहाँ भालू फालू रहते हैं लोगों का कहना है। तो वही जो दिखाई दे रहा है वही है छत्ता टांगर दोस्तों, हमें उसके पास जाना है, अभी हम तो जा रहे हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों, यही एक बहुत ही खतरा जगह है, इसे कूद के जाना पड़ेगा अगर सावधान का जरूरत नहीं तो। अगर नीचे जाएंगे तो आपकी मौत भी हो सकती है दोस्तों।
यहाँ आपको संभल के जाना पड़ेगा। इसके अंदर भी एक गुफा है, वो गुफा के अंदर भी घुसेंगे दोस्तों हम अभी। देखिए दोस्तों ये लड़का फिर कैसा मतलब उतर रहा है, तो चलिए दोस्तों अभी गुफा के अंदर घुसते हैं। इसके चारों तरफ गुफा ही गुफा है, अभी तो हम एक ही गुफा में घुस रहे हैं दोस्तों, और पहले एक गुफा में घुसे थे, अभी ये गुफा है। यहाँ भी रात के टाइम में बहुत सारा जानवर लोग जानवर रहते हैं इधर। ऊपर तो पत्थर ही पत्थर है, इसके चारों तरफ गुफा है। चलिए हमको तो जाना है दोस्तों छत्ता टांगर के पास, तो वहीं चलते हैं। ये देखिए दोस्तों ये जो रोड आपको दिखाई दे रहा है, ये तुरमुंगा से उखंडा का रोड है, और यहाँ का नेचर भी थोड़ा आप देख लीजिए किस तरह से है, कितना सुंदर है। अगर आप चाहेंगे तो इस जगह को घूमने के लिए दिसंबर 25 या फिर नया साल में भोजी पूजी करने के लिए भी आप आ सकते हैं, या फिर ऐसे ही घूमने के लिए भी आप आ सकते हैं। अगर यहाँ आने के लिए मतलब उखंडा से कितना दूर है, तुरमुंगा से कितना दूर है, वो डायरेक्शन आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा दोस्तों। यही जगह से दोस्तों गाँव चौरासिंगा पहुँचने के लिए आप किस तरह से किए, कैसे मतलब कहाँ से किस तरह से आना पड़ेगा, वो सारे वीडियो मैं आपको लास्ट के एंड में बताऊंगा। और यहाँ का नेचर देख लीजिए दोस्तों आप। ये ऊपर से नीचे का नज़ारा, यही एक हाथी रह गया था, जब सुबह हो गया तो ये भी पत्थर बन गया है, खेती के बीच में है ये।